नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 12 सितंबर और दिन है सोमवार का, सुबह के 10 बजने वाले हैं और इस समय मैं आपको रविदास घाट पर क्या स्थिति है बाढ़ के बाद वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं रविदास घाट। इस समय देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से रविदास घाट, सामने आप जलपरी और जलपरी के आगे आप जो नावें देख रहे हैं खड़ी है वो है 80 घाट और इस तरफ आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद शिप और इस तरफ आप देख रहे हैं ये भी स्वामी विवेकानंद शिप। ये दोनों शिप अब शाम को पर्यटकों को लेकर गंगा की सैर कराने के लिए बुकिंग इनका शुरू हो चुका है और ये अब चलने लगी है, लेकिन नावों का फिलहाल संचालन अभी पूरी तरीके से बंद है। ये आप देख रहे हैं रविदास घाट पर दोनों बड़ी शिप खड़ी है। चलिए और दूसरे तरफ दिखाते हैं रविदास घाट का दृश्य कि वहाँ बाढ़ के बाद कैसे हालात हैं, सफाई व्यवस्था कैसी है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ आने जाने का रास्ता, ये आपका शिप के अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, लेकिन मेन रास्ता जो था ये आप देख रहे हैं इस तरफ काफ़ी अभी भी जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिट्टी जमा है जिसकी अभी सफाई होना बाकी है। ये देख रहे हैं आप, ये शिप के लिए बैठने के लिए यहाँ से रास्ता था, लेकिन वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर साफ सफाई यहाँ पर नहीं की गई है। और ये आप देख रहे हैं रविदास घाट का दृश्य जहाँ पूरी तरीके से मिट्टी को साफ कर दिया गया है और सीढ़ियों पर सफाई अभी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं। दोस्तों इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और जब कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं सामने अलकनंदा क्रूज और नीचे आप देखेंगे घाट की सीढ़ियाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत अब मिट्टी जमा है बाढ़ के बाद, अब वो जो है साफ़ की जा रही है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये रविदास घाट का दृश्य है जहाँ पर अभी भी घाट की सफाई चल रही है। थोड़ा सा बस ये सामने आप जो देख रहे हैं बस यहीं पर मिट्टी बाकी है, बाकी मिट्टी यहाँ से हटा दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया नाव का संचालन अभी भी गंगा नदी में बंद है, लेकिन अभी आपको दोनों क्रूज यानी कि अलकनंदा और भागीरथी और दोनों शिप विवेकानंद और मानिकशाह, ये दोनों शिप जो है इनका संचालन अभी शाम के वक्त किया जा रहा है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ घाट की सीढ़ियाँ पूरी तरीके से मिट्टी यहाँ से हटा दी गई है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये रविदास घाट जहाँ से क्रूज और शिप का संचालन किया जाता है, रविदास घाट से लेकर नमो घाट तक के क्रूज का संचालन किया जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों क्रूज अभी फ़िलहाल यहाँ पर खड़ी हैं जिनका शाम को यहाँ से रवाना होती हैं और नमो घाट तक के जाती हैं पर्यटकों को लेकर, और वापस आपको विभिन्न घाटों से गुजरते हुए रविदास घाट तक ये आ जाती है। सामने आप देख रहे हैं
गंगा का शांत प्रवाह। इस वीडियो में आप देखेंगे रविदास घाट, जहां पर सफाई का अंतिम चरण अभी चल रहा है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। अगर कोई भी वाराणसी आके घूमना चाहता है अभी फ़िलहाल, तो वो शिप के द्वारा गंगा की सैर कर सकता है और नौका संचालन बिल्कुल भी अभी बंद है। सिर्फ ये देखें आपने, इतना ही दूरी तक सिर्फ मिट्टी बचा हुआ है जिसकी सफाई चल रही है, वो भी आज यहाँ पर सफाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और गंगा नदी में देखें तो आपको एक भी नौका बिल्कुल चलती दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल शांत गंगा नदी। जहाँ तक नज़र डालेंगे सिर्फ आपको माँ गंगा का जल प्रवाह ही नज़र आएगा, कोई भी नाव आपको यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको घाट का दृश्य दिखाते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज सोमवार का दिन है और तारीख है 12 सितंबर। आज तक का अपडेट, घाट की पूरी तरीके से कीचड़ मिट्टी से मुक्त कर दिया गया है। चलिए हम कोने तक चलते हैं घाट के और वहाँ से आपको यहाँ पर नाला स्थित है उसके पास से आपको घाट का दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं किनारे हम आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 80 नदी घाट नाला। इसलिए यहाँ देख रहे हैं वहाँ से दूसरा रास्ता है रविदास घाट आने के लिए, जो आपको बाढ़ के बाद बचे हुए मिट्टी से पूरा ढका हुआ है, जिसकी सफाई अभी नहीं हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे की तरफ के सामने ये है 80 नाला, जिसका सीवर का पानी ये आपको यहाँ से गंगा नदी में डायरेक्ट मिलता है। ये आप देख रहे हैं 80 नाला। और ये सामने आप देख रहे हैं रामनगर और वाराणसी को जोड़ने वाला ब्रिज, ये देख रहे हैं, ये रामनगर और वाराणसी, रामनगर किला जहाँ पर है उस तरफ जाने का रास्ता और वाराणसी को जोड़ने वाला ये पुल बीच में सामने घाट का। और ये देख रहे हैं आप भागीरथी क्रूज। ये देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ी लगाकर यहीं से यात्रियों को अंदर बैठाया जाता है, जो फिलहाल अभी शाम के वक्त चलता है यहाँ से क्रूज भागीरथी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अन्य क्रूज और घाटों की सफाई। ये देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जितनी भी सीढ़ियाँ थी सभी मिट्टी से पूरी तरीके से जो है ढकी हुई थी, जिनको साफ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ अभी किनारे की तरफ अभी मिट्टी है। ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मिट्टी अभी हटानी बाकी है, आगे कहीं कहीं मिट्टी साफ कर दी गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं और ये गंगा नदी का दृश्य आप देख रहे हैं। गंगा नदी का बिल्कुल शांत प्रवाह, मौसम काफ़ी सुहाना है आज, 10 बजने वाले हैं दिन के।
तरफ आप देखेंगे ऊपर की तरफ सभी सीढ़ियाँ बिल्कुल कीचड़ मुक्त हो गई हैं और ऊपर आपका रविदास घाट। ये आप देख रहे हैं अलकनंदा क्रूज। बहुत सारे दर्शक पूछते रहते हैं कि क्रूज या फिर नौका संचालन अभी शुरू हुआ कि नहीं हुआ, तो उनके लिए ये खास संदेश है कि क्रूज और शिप यहाँ से रविदास घाट से संचालित हो रहा है, लेकिन नौका संचालन अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से बंद है। देख रहे हैं इसकी बुकिंग हो रही है जो शाम को यहाँ से अन्य घाटों के लिए रवाना होती है। और ये आगे देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ियों से मिट्टी अभी साफ की जा रही है। चलिए वहाँ का दृश्य आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। देख रहे हैं आज का अपडेट यही है कि आज पूरी तरीके से इस घाट से मिट्टी को साफ कर लिया जाएगा और ये घाट सबसे पहले साफ होने वाला घाट हो जाएगा रविदास घाट। चलिए दोस्तों इस दृश्य के साथ ही वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।